अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पंडित रत्न ज्ञान योगी उपाध्याय प्रवर श्रद्धे श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनी चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। सूत्रकृतांग सूत्र के विभिन्न सूक्तियों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा फिलहाल हमारी चर्चा एक स्थान पर रुक कर के चल रही है और तीन सूत्र आपको सुनाए थे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जैसा किया हुआ कर्म वैसा ही उसका भोग, आत्मा अकेला ही अपने किए हुए दुख को भोगता है, अतीत में जैसा भी कुछ कर्म किया गया है भविष्य में वह उसी रूप में उपस्थित होता है। तीनों सूत्रों का सार जो है वो कर्म में जुड़ा हुआ है, कर्म से संबंधित ये तीनों सूत्र हैं। और इन तीनों सूत्रों के प्रसंग पर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना कर्मों के बारे में, कर्म प्रणाम के बारे में आपसे कुछ चर्चा की जाए, कुछ प्रश्नोत्तर आपको बतलाए जाएं जो हमारे संपूर्ण समाज में गौतम पृच्छा के नाम से प्रसिद्ध हैं। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान महावीर ने उत्तर दिया, किस कर्म के करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, कैसा क्या जीवन में होता है। उन्हीं प्रश्नोत्तरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। आगे एक प्रश्न में भगवान महावीर से पूछा गया, भगवान मनुष्य किस कारण दिन रात किसी न किसी व्याधि से घिरा रहता है, दिन रात कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, ठीक ही नहीं होते हैं, दवाइयां काम नहीं कर रहे, डॉक्टर बदल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो उसका कारण क्या है, किस वजह से ऐसा होता है। तो भगवान ने इसका उत्तर देते कहा कि हे गौतम, जो मनुष्य बड़ पीपल के फलों एवं गूलर के फलों को आसक्ति पूर्वक खाता है तथा चूहे आदि जानवरों को पकड़ने के पिंजरों और पक्षियों आदि के फंसाने के फंदों को बेचता है, वह मनुष्य उस पाप के फल स्वरूप आजीवन किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता है। तो लगातार बीमार रहने वालों के कारण बतलाए हैं, बड़ पीपल गूलर आदि के फलों को आसक्ति पूर्वक खाना, गुणगान करके खाना, अरे भाई इसमें इतनी ताकत है, इतनी विशेषता है, ये खाना चाहिए, लेकिन उसमें अनेक प्रकार के कीड़े जीवों के पड़ने की संभावना निरंतर बनी रहती है। श्वेतांबर परंपरा में इसका यूं नहीं है कि भी विधान है खा लो खा लो खा लो, लेकिन दिगंबर परंपरा में इसका निषेध जोरदार है, वहाँ इसका निषेध जो है जोरदार है। और मुनि लोग, वहाँ की आर्याएँ आने वाले लोगों को इन चीज़ों के त्याग के लिए विशेष प्रेरणा प्रदान करते कि नहीं खाना। हमारे यहाँ पर भी कम ज़्यादा मात्रा में प्रेरणा रहती है कि भाई ये नहीं खाने चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इनका निषेध है, तो ऐसा करे नहीं। फिर कहा कि चूहे और अन्य जानवरों को पकड़ने, पक्षियों पकड़ने के फंदे हैं, पिंजरे हैं, जो उनको बेचता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति जो दूसरों को फंसाने का काम कर रहा है, तो उस कर्म की वजह से ऐसे फल को प्राप्त करता है जिसके कारण उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग बीमारियां निरंतर बने रहते हैं, जिनका कोई शमन नहीं होता और निरंतर असाता ही असाता उसके शरीर में बनी रहती है। आगे अन्य प्रश्न में कहा कि भगवान शरीर में कीड़े किस पाप कर्म के कारण पड़ जाते हैं, शरीर में कीड़े किस पाप कर्म की वजह से पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है,
अनेक प्रकार के कीड़े शरीर में पड़ जाते हैं और वो बाहर से दिखते भी हैं, कई प्रकार के घाव हो जाते हैं, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, और कईयों की तो पेट में कीड़े रहते हैं, और बच्चों के तो जब ज़्यादा मात्रा में कीड़े हो जाते हैं तो उनका शरीर पनप नहीं पाता, शरीर हल्दी की तरह पीला रहता है, शरीर स्वस्थ नहीं होता, लालिमा चेहरे पर आती नहीं है। तो अनेक प्रकार के कीड़े शरीर में पड़ते हैं, लेकिन कीड़े पड़ने का कारण क्या है? तो कहा है कि गौतम, जो मनुष्य मछली केकड़े आदि जीवों को बेरहमी से तड़फा तड़फा करके मारते हैं और खुश होकर के खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के शरीर में उक्त पाप कर्म के फलस्वरूप कीड़े पड़ जाते हैं। और ऐसा पूरे देश और दुनिया में आप बहुत लोगों को देखोगे जो विभिन्न प्रकार के ऐसे जीवों को, मछलियों को, केकड़ों को भरपूर मात्रा में खाते हैं और ऐसा सेवन करते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, इधर बंगाल में चले जाएं, तो बहुत खाते हैं मछलियां, तो पूरे लगभग देश भर में कम ज़्यादा मात्रा लोग खाते हैं। तो ये जो है ऐसा एक कर्म का उत्पादन होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में कीड़े पैदा होते हैं, तो उनसे व्यक्ति को ऐसे पाप कर्म करने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भगवान, किसी किसी के शरीर में प्रत्यक्ष कोई रोग नहीं दिखाई देता, फिर भी वह अनेक मानसिक रोगों, चिंताओं, संकटों, बहमों से घिरा रहकर दुखित होता रहता है, वह किस पाप कर्म का फल है? आप और हम देखते हैं बहुत सारे लोग आपको बाहर से अच्छे बिच्छे दिखाई देंगे, बाहर से कोई बीमारी नहीं है, कोई कैप्सूल टैबलेट नहीं लेते, ये आंतरिक बीमारी है, आंतरिक चिंताएं हैं, आंतरिक अवसाद है, और अनेक तरह के बहम पैदा, शंकालु हो जाते हैं, बहम बना रहता है, तो अनेक तरह की मानसिक बीमारियां, शिकायतें उनको रहती हैं। तो इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों होता है? तो कहा है कि हे गौतम, जो मनुष्य रिश्वत लेकर सच्चे को झूठा सिद्ध कर देता है, सच्चे को झूठा सिद्ध कर देता है, वह इस पाप के फलस्वरूप अनेक संकटों, बहमों आदि व्याधियों से ग्रस्त होकर दुखित रहता है। पुलिस ले लो, वकील ले लो, जज ले लो, पैसा दे दो, सच को झूठ, झूठ को सच करने में माहिर रहते हैं। और कुछ लोग ये वकालत वगैरह नहीं करते, उसके बावजूद भी एक आदत होती है चीज़ों को पलट देना, सच को झूठ, झूठ को सच कर देना, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और अगले भाव में उनको ऐसा भोगना पड़ता है। पाप कर्म के बारे में आखिरी प्रश्न है, भगवान, मनुष्य को किसी भी प्रकार से आजीविका आदि की प्राप्ति नहीं होती, कोई ना कोई विघ्न आकर खड़ा हो जाता है, यह किस पाप कर्म का फल है? कई बार आप लोग देखते हैं एक आदमी बेचारा बहुत मेहनत करता है, काम ही सिद्ध नहीं होता, फैक्ट्री लगानी है फैक्ट्री नहीं लगती, दुकान खोले दुकान नहीं खुलती, नौकरी ढूंढता है नौकरी नहीं मिलती, और अनेक तरह के उपक्रम करता है कि मुझे रोजी रोटी आजीविका मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती, कोई ना कोई रुकावट, बाधा, अंतराय उसके काम में पड़ता रहता है। तो कहा कि हे गौतम, जिसने अन्य जीवों को प्राप्त होने वाली भोगोपभोग की सामग्री देने दिलाने में रोड़े अटकाए हों, तथा किसी के कारखाने या व्यापार आदि में भी बाधा डाली हो, उस मनुष्य की उक्त पाप कर्म के फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति या कार्य में पग पग पर विघ्न बाधाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं, जिसे हम अंतराय कर्म कहते हैं। ऐसा अंतराय, ऐसी बाधा, ऐसी दिक्कत उन लोगों के जीवन में ज़्यादा चलते जिन्होंने ऐसा किया हो, दूसरों के बनते कामों को रोड़ा अटकाया हो। कई बार आप और हम लोग देखते हैं किसी को कोई चीज़ बांटी जा रही है खाने पीने की, कहते हैं नहीं रोक दो, नहीं देनी इनको, नहीं देनी, भगाओ इनको यहाँ से, अंतराय डालना। तो इस प्रकार जो ऐसा करते हैं उनके स्वयं के जीवन में ऐसा फिर कर्म उपस्थित होता है। अभी तक आपने जितने भी प्रश्न आज, कल और परसों सुने, वो सारे सुने दुख के, पीड़ा के, अशुभ के,
लेकिन अब आप सुनेंगे पुण्य का प्रभाव कि अच्छे कर्म का प्रभाव जीवन में कब कैसे किस रूप में मिलता है। इनके भी कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न है, भगवान किस शुभ कर्म के उदय से मनुष्य को मन चाही भोगोपभोग सामग्री अनायास मिलती है और वह निश्चिंत निर्द्वंद होकर सुख की अनुभूति करता है। कई बार आप लोग देखते हैं आदमी को आगे से आगे मन चाही चीज़ें मिल जाती हैं। सोने को मिला, बढ़िया बिस्तरे मिल रहे हैं, खाने को बढ़िया खाना मिल रहा है, घूमने को अच्छी जगह मिल रही है, पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, और कोई इच्छा करे वो भी पूरी हो जाती है। तो कुछ लोगों की इच्छाएं फटाफट पूरी हो जाती हैं और उसका उपभोग भी बड़े शांति और बड़े आनंद के साथ उनका उपभोग करते हैं, सेवन करते हैं, आनंद में रहते हैं। तो ये क्या कारण है? तो कहा कि हे गौतम, प्राणी मात्र पर दया रखने से, प्राणी मात्र पर दया रखने से तथा निस्वार्थ भाव से परोपकार के कार्य करने से मनुष्य मनोवांछित सुख पाता है। मनोवांछित सुख पाता है, क्यों? पूर्व भव में उसने जो है प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव रखा और किसी की सेवा भी करी, उपकार भी करा, तो निस्वार्थ भाव से कर दिया। जान नहीं पहचान नहीं, सहायता मांगी सहायता दे दी, सेवा मांगी सेवा दे दी, कोई लोभ नहीं लालच नहीं मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों के पुण्य प्रभाव से मन वांछित चीज़ें, सुंदर चीज़ें, अच्छी चीज़ें उनको निरंतर मिलती रहती हैं। अगला प्रश्न है, भगवान किस पुण्य कर्म के कारण मनुष्य सुंदर रूप, लावण्य, श्रेष्ठ बुद्धि और चतुरता आदि से अपने कुल में प्रतिष्ठा पाता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके रिश्तेदारी में, स्वयं आपके घरों में, आपके परिचितों में ऐसे लड़के लड़कियां मिलते हैं, यंग है, जवान है, बुद्धि बड़ी तेज है, सुंदर है, देखने में बड़े सुंदर सलोने हैं, चेहरे पर बड़ी शाइनिंग है, चमक है, लावण्य है, और जहाँ जाते हैं इज्जत ही इज्जत, मान ही मान मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? किस वजह से? उन्होंने ऐसा क्या किया था पूर्व भव में जो इस भव में ऐसा सब कुछ मिलता है? तो इसका जवाब है कि हे गौतम, जिसने तन मन और वचन से, या यूँ कह लो मन वचन काया से, तन मन और वचन से विधि सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन किया था और बाह्य आभ्यंतर तप किया हो, वह ऐसे सुख और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अब ये तो हो गए प्रणाम, अब जिसको आगे चाहिए तो ऐसे ही करा करो। आगे सुख चाहते हो तो इस भव में अच्छा आचरण करो, सील का पालन करो, आंतरिक और बाह्य अच्छे तप का आचरण करना चाहिए। आगे अगला प्रश्न है कि भंते, किस पुण्य कर्म के प्रभाव से मनुष्य धन की संपन्नता का अनुभव करता है? कि धन ही धन है, पैसा ही पैसा है, खूब पैसा क्यों प्राप्त होता है? तो कहा कि गौतम, जो साधु साध्वियों को निर्दोष साताकारी आहार पानी श्रद्धा पूर्वक देता है तथा दीन दुखियों को यथोचित दान देकर लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, वह धन से संपन्न होकर सुख का अनुभव करता है। तो मोटी सी बात है, पैसा है तो दान दें, सेवा के काम में लगाएं, साधु साधुओं निर्दोष आहार पानी साताकारी आहार पानी इत्यादि श्रद्धा पूर्वक बहराएं, और बहराते समय श्रद्धा का भाव हो, लोभ लालच का भाव न हो, निष्काम भावना से गोचरी पानी बहराए। तो जो अपने धन का लक्ष्मी का सदुपयोग करता है तो वह अगले भव में धन संपन्न बनता है। आगे कहा है कि भंते, मोक्ष की प्राप्ति किस उपाय से होती है? मोक्ष की प्राप्ति किस उपाय से होती है? कहा कि गौतम, जो मनुष्य प्रशस्त राग सहित सम्यक दर्शन पूर्वक तप संयम की आराधना करता है, वह समस्त कर्म क्षय करके मोक्ष प्राप्त करता है। प्रशस्त राग, वो राग जो प्रशस्त है, अच्छा है, अनुकरणीय है, जो धर्म के प्रति है, देवगुरु धर्म के प्रति है, वीतरागता के प्रति है, ऐसा प्रशस्त राग, और सम्यक दर्शन पूर्वक जो अपने तप और संयम की आराधना करता है, वह अपने कर्मों की निर्जरा करके अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करता है।
आगे कहा है कि भंते, सुखमय दीर्घ जीवन किस पुण्य कर्म का फल है? दीर्घ जीवन यानी लंबी आयु, और वो कैसी सुखमय, दुखमय नहीं, सुखमय। मान लो 90 साल की उम्र मिली तो 90 साल की उम्र तक पुण्य प्रबल रहे और कोई शरीर में असाता नहीं, भरा पूरा परिवार है, धन दौलत है, हर कोई आज्ञा मानता है, विनय करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमने देखे हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बेटे पोते देवते देवतियां हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जो नाना दादा का आदेश होगा वो हम करेंगे, और समाज इज्जत देता है, कोई समाज रतन बना देता है, कोई कुछ करता है, बड़ा उनको सम्मान मिलता है। तो कहा है कि सुख में दीर्घ जीवन किस पुण्य कर्म का फल है? तो कहा है कि गौतम, त्रस जीवों की रक्षा करने से, सत्य बोलने से, साधु साधुओं को निर्दोष आहार पानी देने से मनुष्य सुखमय दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। तीन कारण बतलाए, त्रस जीवों की रक्षा, सच बोलना, और साधु साध्वियों को गोचरी पानी आदि श्रद्धा भाव से बहराने से शुभ दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भगवान किस पुण्य कर्म के कारण मनुष्य निर्भय रहता है? किस पुण्य कर्म के कारण मनुष्य निर्भय रहता है? आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं उनको डर ही नहीं लगता, मौत का डर नहीं, किसी दुश्मन का डर नहीं, जहाँ जाते हैं निर्भय होकर चले जाते हैं, किसी भूत प्रेत का डर नहीं, बड़े आराम से निर्द्वंद होकर के आराम से रहते हैं। तो कहा है क्यों होता है ऐसे? तो जवाब दिया भगवान ने, गौतम जिसने भयभीत जीवों को सांत्वना आश्वासन एवं आश्रय देकर निर्भय किया है, उन्हें अभय दान दिया है, वह मनुष्य पुण्य कर्म के फल स्वरूप निर्भयता की प्रतिमूर्ति हो जाता है। कितना सुंदर, कितना बढ़िया जवाब दिया है। अनेक लोग अनेक कारणों से, व्यक्ति भी आ गए और पशु पक्षी भी आ गए, अनेक कारणों से भयभीत हो जाते हैं, उनको सांत्वना देता है, पुचकारता है, आश्वासन देता है, क्यों घबराते हो, मैं हूं ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई नहीं, मेरा घर इतना लंबा चौड़ा, यहाँ आकर के रह लो, आपको कि हाथ नहीं लगा सकता है, आप बड़े सुरक्षित तरीके से रहिए, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो अभय दान देता है, तभी कहा है दानान सेठम अभय पयाणम, दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान है। जो ऐसा अभय दान देता है वह मनुष्य पुण्य कर्म के फलस्वरूप निर्भयता की प्रतिमूर्ति हो जाता है। सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण में सभी पुरुष लोगों का कर्तव्य होता है, अपनी बहू बहन बेटी को यदि वो किसी कारण से भयभीत है, उसे तिरस्कृत होकर भगाए नहीं, कहे कि मैं हूँ, तुम सत्य के मार्ग पर, मैं आपके साथ हूँ, तन की जगह तन लगाऊंगा, धन की जगह धन लगाऊंगा, सुरक्षा की जगह सुरक्षा दूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। एक अनजान लड़की है, कोई महिला है, आपके शहर से गुजर रही, किसी कारण से भयभीत है, आपके अंदर इंसानियत है तो सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन आजकल चालाकी भी बहुत हो गई हैं, सुरक्षा देने में थोड़े से सचेत रहें, अपने आप की भी सुरक्षा करें। भयभीत मान करके आपने सुरक्षा दे दी और आपका माली साफ करके भाग गई, तो उसमें थोड़ा सा सचेतता रखें, क्योंकि दुनिया में चालाकियाँ भी बहुत हैं, लेकिन किसी डरे हुए व्यक्ति का भय दूर करना ये आपका काम है, और जो पशु पक्षी ऐसे भयभीत रहते हैं उनका संरक्षण करना, और आप लोग अपने अपने तरीके से ऐसा करते भी हैं, क्योंकि आपको ऐसे संस्कार माता पिता और गुरुओं के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा आपको ऐसे संस्कार मिले हैं। और हमारे जैन लोग कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा गधा आसपास कोई भी हो, उसे कुछ न कुछ सुरक्षा देने की कोशिश जो है वो करते हैं। आगे कहा है, बनते किस पुण्य कर्म के फल स्वरूप मनुष्य बलवान होता है? बलवान मजबूत कद काठी का शरीर बिल्कुल मजबूत है, स्टील की तरह है, और कोई घबराता नहीं है, तो ऐसी बलवानता, ऐसी मजबूती क्यों मिलती है? कहा कि गौतम, जिसने तपस्वी रोगी वृद्ध अपंग आदि की जी जान से सेवा की हो,
वह मनुष्य उस पुण्य के फलस्वरूप बलवान होता है। अब बात भी सही है, रोगी तपस्वी वृद्ध अपंग की सेवा कोई करेगा तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम तो अच्छा आना ही है, तो बलवान होने का कारण ये बतलाया है। फिर कहा भगवान, किस पुण्य कर्म के कारण वचनों का माधुर्य मिलता है? कईयों के वचन बड़े मीठे, सुरीले, अच्छे, सौम्य, ऐसे अच्छे वचन होते हैं। बहुत सारे प्रवचनकारों के वचन बड़े प्रिय होते हैं, सुनने वाले बड़े प्रभावित होते हैं, गायन बड़ा अच्छा होता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे लोगों की स्पीच को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। घर परिवारों में बहुत सारे ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं, उनकी वाणी में बड़ी मधुरता होती है। तो ये किस वजह से होता? तो कहा कि गौतम, अपने समग्र जीवन में जिसने सत्य भाषण किया हो, यानी झूठ नहीं बोला हो, याद करके भी कभी ये याद ना आता कि हाँ मैंने फला प्रसंग में झूठ बोला था। जिसने अपने जीवन सत्य का पालन किया है तो उसके जो वचन होते हैं बड़े प्रिय, बड़े मधुर, बड़े आनंददायक उनके वचन हुआ करते हैं।